नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जिद सच दिखाने की एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज लखनऊ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जनपद है सहारनपुर, वहां पर आप पहुंचिए। और सहारनपुर में मेरे साथ कुछ युवा साथी मौजूद है। मैं बात करता हूँ आज युवाओं की, बात युवाओं के साथ। जिस तरीके से आज 24 तारीख 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर 19 तारीख में वोटिंग है, तो देखना यही होगा कि यहाँ का युवा क्या चाहता है, क्या युवा बदलाव चाहता है या फिर से मोदी सरकार चाहता है। मेरे साथ एक साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी अभिजीत राणा है, मैं गांव मिर्जापुर से हूँ। अच्छा अभिजीत जी, क्या लग रहा है 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। अब की बार जी 200 पार हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हम चाह रहे थे वो उन्होंने कराया नहीं। हमारे यहाँ क्षत्रिय समाज सब इनसे नाराज है, क्योंकि हम जिसका कैंडिडेट को चाह रहे थे उसका उन्होंने टिकट नहीं करा। जो कि हमारा कैंडिडेट पहले हारा हुआ है उसका ही टिकट रिपीट कर दिया, जो कि गलत बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारी वोट अब की बार इमरान मसूद पे ही जाने वाली है, हम इमरान मसूद को ही समर्थन करेंगे। ऐसा क्यों? इमरान मसूद को बहुत सारे लोग नहीं भी पसंद कर रहे हैं, कई बार पार्टियां बदली हैं उन्होंने। आज ये सही बात है, हम पसंद भी नहीं, हमें खाली जो बीजेपी का हराएगा उसे हम पसंद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हमारा जो टिकट होता अभय प्रताप सिंह राणा का, जो लास्ट तक टाइम रखा है, फिर भी उन्होंने लास्ट समय पे भी आगे टिकट, आज मायावती जी देवन में उन्होंने भी अनाउंस कराया है कि क्षत्रिय समाज का यहाँ पूरा अपमान हो रहा है, और अभय प्रताप को वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि क्षत्रिय समाज को हम मौका देते, तो ये ऊपर तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मैं ही कह रहा हूँ, जो हमारा यूथ है, काफी लोग है, सभी अब की बार नाराज है। आपने पता चला होगा ननौते में 7 तारीख को भी हुई है और हर जगह 16 मई को भी है, केड़ा में क्षत्रिय समाज टाइम पूरा नाराज इनसे। तो क्या लग रहा है मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया? सरकार ने काम तो किया है, पर एक जो मौका देना होता है हमारे क्षत्रिय समाज का, सिर्फ प्रत्याशी को लेकर के आप नाराज हैं? हाँ, पर हमारे समाज का सबसे ज्यादा अपमान है। आप देख लो गाजियाबाद में वीके सिंह 2-3 योजना से जीतते आ रहे, काफी वोटों से जीतते आ रहे, उनका टिकट किस लिए काटा गया? ये हमारा सवाल है इनसे। ठीक है ठीक है, मेरे साथ एक और युवा साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रितेश राणा। रितेश जी, क्या लग रहा है? जैसे बहुत सारे साथी हैं, उससे पहले भी मैंने लोगों से पूछा, वो लोग मोदी जी से नाराज हैं, क्या क्यों नाराज हैं आप लोग? नाराज तो नहीं है जी, देखो कौन सी लहर चली 400 पार तो होता नहीं, ठीक है 200 पार भी नहीं होने की बार। और रही बात टिकट की, जो उनसे पहले आ रहे सांसद टिकट नहीं मिल रहा, जो उनसे हमारे क्षत्रिय समाज है पूरा, जो यहाँ के आसपास के जो विधानसभा की जो पूरे क्षत्रिय समाज है, पूरे मोदी टीम उनसे विरोध है, भाई हम तो यही कहना चाहेंगे जी। और रही आज मायावती जी आई थी, आज यहाँ पे मायावती जी ने हमें बोला कि आपको अगर अभी भाई की टिकट मिलनी थी तो आपको एक बार इधर आना था, पर क्या अगर नहीं मिल पाई तो सीएम आपका मन बदला है इस बार, अब की बार नहीं होने की जी, अब की बार नहीं होना है। एक और युवा साथी मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या लग रहा है यहाँ के युवाओं में, क्या बदलाव नजर आ रहा है सर? बदलाव अब की बार निश्चित रूप से आ रहा है। युवा चाह रहे थे कि कोई युवा ही कैंडिडेट हो और ऐसा हो कि जो इस सीट को जीत पाए, क्योंकि ये सीट खाली हिंदुओं से नहीं जीती जा सकती, इसमें आपको दलित और मुस्लिम दोनों को लेकर साथ में चलना होगा। जो हमारे कैंडिडेट हैं वो पिछली बार भी हार गए थे, 2 मुस्लिम लड़े थे, उसके बावजूद भी अकेले हिंदू होने के नाते वो चुनाव हार गए थे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता आप शहर में थोड़ी बहुत ही मान लो, देहात में वो बिल्कुल जीरो है, रामपुर में जीरो है, देवबंद में जीरो है, बेहट में जीरो है। जो इन सारी विधानसभाओं से मुस्लिम और प्लस दलित वोट लेके जाएगा वही यहाँ पे भाजपा से सीट निकाल सकता है। हालांकि हमारे यहाँ ऐसे समीकरण नहीं है कि खाली आप इन इनके वोट से जीत जाओ, मुस्लिम और दलित का वोट मिलेगा तभी आप सीट जीत पाओगे। और हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो उनको गांवों के नाम ही नहीं पता, वो किसी गांव में नहीं जाते, शहर शहर से वो राजनीति कर रहे हैं, तो उनका जो रेस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं है जनता का। उनके कैंडिडेट को लेकर के नाराजगी है आप लोगों के मन में? जी हमारे मन में नहीं है, ये सर समाज के मन में है जी। ये सर तो मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा, हर समाज चाह रहा था कि अब की बार किसी नए को मौका मिले और मोदी सरकार मजबूती से अपनी दोबारा वापसी करे, लेकिन अब की बार कैंडिडेट कमजोर होने की वजह से सहारनपुर में ये उम्मीद हो नहीं रही कि यहाँ से भाजपा दोबारा जीतेगी। जिस तरीके से आपने देखा मेरे साथ युवा साथी लोग मौजूद थे, इनका मन इस बार बदल नजर आ रहा है, क्योंकि कैंडिडेट को लेकर के काफी नाराजगी है। जिस तरीके से मोदी जी ने जो वादे किए थे पिछली बार भी, यहाँ पर जिस कैंडिडेट को टिकट दिया था वो चुनाव हार गए थे, इस बार भी उनको दोबारा मौका दिया है। क्षत्रिय समाज में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम वोट है और जो दलित वोटर है वो काफी निर्णायक साबित होता है, तो देखना यही होगा कि इस बार सहारनपुर का सांसद कौन होगा। कैमरा मैन शांत दीक्षित के साथ मैं मुकेश मानव, सहारनपुर।